अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की चाह पर बैठे परिवार को पुलिस ले गई थाने। परिवार कर रहा था सीबीआई जांच की मांग। सागर में रक्षा मंत्रालय के लेखा विभाग में पदस्थ प्रकाश द्विवेदी 2 जून 2017 को रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, जिसकी 5 जून को शादी होनी थी। काफ़ी तलाश के बाद भी उनका कहीं कोई पता नहीं चला था। फिर 6 जून को उसकी लाश मिली। जिस बेटे की बारात जानी थी उसकी लाश घर पहुंची, जिससे परिवार के लोग टूट गए और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। पीड़ित परिवार एक बार फिर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठा हुआ था, लेकिन उन्हें इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस धरने पर बैठे 3 लोगों को उठाकर सिविल लाइन थाने ले गई। मृतक का परिवार काफ़ी समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। घटना हमारे बड़े भाई रक्षा मंत्रालय में मॉनिटर थे, प्रकाश द्विवेदी, जिनका त्रिगोष्ठी कार्यक्रम 21 मई 2017 को हो चुका था। 5 तारीख उनकी शादी होने वाली और 2 जून की उनकी गुमशुदगी हुई और 6 तारीख उनकी बॉडी मिली तमस नदी में 135 के पास। और तब से 1 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं, अगर ये कर नहीं पा रहे हैं तो सीबीआई के लिए वो करे ना, ये खुद कर रहे हैं ना, कुछ अभी तक इनका कोई रिजल्ट आया है।